एलन मस्क दुनिया में क्यों मशहूर है? अगर ये सवाल आपसे कोई पूछे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भाई अपने अजीबोगरीब फैसलों की वजह से हो सकता है मशहूर हूं, या फिर ट्विटर की डील के कारण भी चर्चाओं में रह सकते हैं। बात सही है, लेकिन मस्क मशहूर हैं अपनी दौलत की वजह से। वे दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, लेकिन क्या वो ज्यादा समय तक दुनिया के सबसे अमीर इंसान रह पाएंगे? इस बात पर अब संदेह होता है, क्योंकि इस साल यानी 2022 की शुरुआत से लेकर अब तक एलन मस्क इतनी दौलत गंवा चुके हैं जिसमें एक नया अरबपति ब्लूमबर्ग की लिस्ट में शामिल हो सकता है। नहीं समझे? चलिए मस्क की इस दौलत का आकलन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एलन मस्क की पर्सनल वेल्थ में ये गिरावट आ क्यों रही है। ब्लूमबर्ग वेल्थ इंडेक्स के मुताबिक 2022 की शुरुआत में मस्क 340 अरब डॉलर की संपत्ति के मालिक थे, लेकिन अब एलन मस्क की वेल्थ 170 अरब डॉलर रह गई है। यानी इस 2022 में मस्क अब तक अपनी दौलत में से 170 अरब डॉलर गंवा चुके हैं। इस गिरावट का कारण वही है जिसके कारण एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं, मतलब उनकी कंपनियां यानी टेस्ला और ट्विटर, जिनके शेयरों ने जब बाजार में रफ्तार पकड़ी तो मस्क माला माल हो गए, और जब गिरे तो दौलत साफ। हालांकि ट्विटर की एंट्री तो खेल में बस अभी हुई है, लेकिन मस्क की दौलत को डुबाने में इस कंपनी का रोल भी खूब रहा है। खैर, मस्क के लिए अच्छी खबर ये है कि कंपनी में नुकसान के बावजूद वे अब भी दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। हालांकि इसमें कमाल तो उन अरबपतियों का है जो मस्क को उनकी नंबर वन की पोजीशन से हटा नहीं पाए, क्योंकि उन अरबपतियों की संपत्ति में भी गिरावट आ रही है। लेकिन मस्क की कंपनियां इस घाटे में है क्यों? इसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ फैसले हैं। क्या हैं वो फैसले जो जिम्मेदार हैं? जैसे टेस्ला को ही ले लीजिए, इस साल की शुरुआत से अब तक 37% टूट चुके हैं इसके शेयर, क्योंकि टेस्ला की जर्मनी और अमेरिका की नई फैक्ट्रियां बैटरी की कमी से जूझ रही हैं। दूसरी ओर चीन में कोरोना के कारण आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। इसके अलावा टेस्ला की गाड़ियों में आजकल कुछ खराबियां आ रही हैं, जिस कारण पिछले दिनों टेस्ला ने करीब 3.5 लाख गाड़ियों को वापस मंगवा लिया। इन सारी खबरों का विपरीत असर टेस्ला के शेयरों में देखने को मिला। अभी हाल ही में टेस्ला के शेयरों में 3% की गिरावट आई, और इस गिरावट के साथ ही कंपनी का शेयर 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। फिलहाल टेस्ला का शेयर $167 पर ट्रेड कर रहा है। टेस्ला ने महज 17 महीने में ही अपनी आधी बाजार पूंजी गंवा दी है। मस्क के पास टेस्ला के 15% शेयर हैं, जिस हिसाब से करीबन 445.6 मिलियन शेयर मस्क की झोली में आते हैं। इस हिसाब से देखें ततो मस्क टेस्ला में करीब $85 बिलियन के मालिक हैं। फिलहाल ब्लूमबर्ग के हिसाब से उनकी कुल नेटवर्थ है $170 बिलियन। ये तो बात हुई टेस्ला की। अब आते हैं नई खरीदी गई कंपनी ट्विटर पर। इस कंपनी ने तो मस्क को कहीं का नहीं छोड़ा। $44 बिलियन का ये सौदा मस्क को रोजाना 2500 करोड़ की चपत लगा रहा है। ट्विटर की डील के बाद मस्क के सामने फाइनेंशियल क्राइसिस भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि इस डील के लिए टेस्ला के शेयर बेचने के साथ साथ करीब $13 बिलियन का कर्ज भी मस्क को लेना पड़ा। दूसरी ओर जिस ट्विटर पर मस्क ने दाव लगाया है उसका रेवेन्यू मॉडल चरमरा गया है, क्योंकि ट्विटर के राजस्व का 90% हिस्सा एड से आता है, लेकिन जब से मस्क ने ट्विटर की कमान संभाली है तब से विज्ञापन दाता ट्विटर से कटते नजर आ रहे हैं, यानी कंपनी को एड नहीं मिल रहे हैं। जबकि 2021 में ट्विटर ने विज्ञापन दाताओं से ही $4.51 बिलियन और लाइसेंसिंग, डेटा और बाकी सेवाओं से $572 मिलियन कमा लिए थे, जिसमें अब गिरावट देखी जा रही है। यानी फिलहाल कंपनी की उठापटक में एड रेवेन्यू का बड़ा सोर्स ठप पड़ गया है। हालांकि कंपनी की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए मस्क दाव भी कई चल रहे हैं, जैसे ब्लू टिक पर $20 वाला चार्ज, जिसे बाद में $18 फाइनल कर दिया गया। इसके अलावा कंपनी करीब 60% कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुधारा जा सके। फिलहाल मार्च में ट्विटर का बाजार पूंजीकरण $37.48 बिलियन के करीब था। जिस महीने मस्क ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई, तब से ट्विटर के शेयर में तेजी से गिरावट आ रही है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बाजार इस डील को पॉजिटिव नहीं ले पा रहा। खैर, जो भी हो, इस बात से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि शायद अब मस्क ज्यादा दिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान
नहीं रह पाएंगे। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताएं।